Good morning, students. Today I am going to teach you lesson number 3 of economic poverty as a challenge. Poverty कहते हैं बेटा गरीबी को. गरीबी एक चैलेंज की तरह है हमारे लिए. इसकी समरी मैंने ये तैयार की है. ये इसकी 3 वीडियोस आएंगी, पार्ट 1, 2 और 3. पॉवर्टी इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज फेस्ड बाय अवर कंट्री. पॉवर्टी जो है ये एक बहुत डिफिकल्ट चैलेंज है जो कि हमारी कंट्री के द्वारा फेस किया जाता है. पॉवर्टी इज मेजर्ड बाय पॉवर्टी लाइन. पॉवर्टी जो है ये मेजर की जाती है, मापी जाती है पॉवर्टी लाइन से. एवरी फोर्थ इंडियन, दैट इज अराउंड 26 करोड़ इंडियंस आर लिविंग इन पॉवर्टी. 26 करोड़ इंडियंस जो हैं ये पॉवर्टी में जी रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं, यानी कि हर चौथा भारतीय. एवरी डे वी मीट मैनी पीपल हु लिव ऑन ए मियागर अर्निंग, दैट इज़ लेबरर, रिक्शा पुलर एक्सेट्रा, जो कि भाई बहुत मतलब मुश्किल से अर्निंग करते हैं. ऐसे लोगों को हम रोज़ाना देखते हैं. लेबरर कहते हैं मजदूर, रिक्शा पुलर जो रिक्शा खींचते हैं. पॉवर्टी इज़ ए सिचुएशन इन विच ए पर्सन कैन नॉट अफोर्ड बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ. गरीबी वो सिचुएशन है बेटा जिसमें एक आदमी अपनी बेसिक नीड्स जो हैं जीवन की वो भी अफोर्ड नहीं कर पाता, पूरी नहीं कर पाता. इट इज़ आयरनिक बट ट्रू दैट पुअर पर्सन इज़ बैडली ट्रीटेड एवरीवेयर इन पब्लिक लाइफ. आप ये देखते भी हैं कि गरीब जो लोग होता है, गरीब पर्सन होता है, वो बड़ी बुरी तरह से उसको समाज ट्रीट करता है. पब्लिक लाइफ में वो हर जगह बैडली ट्रीट होता है. और कहाँ जाते हो आप, अपने ही घर में देख लो, अपने रिश्तेदारों में देख लो. जो रिश्तेदार पैसे वाइज कमज़ोर होगा उसको कोई नहीं पूछता, उसकी कोई इतनी इज्जत नहीं करता. शादी ब्याह में सब इकट्ठे होते हैं, लेकिन जो गरीब पर्सन होता है सबसे उस वो एक तरफ पड़ा रहता है. तो जो पुअर पर्सन है इज़ बैडली ट्रीटेड एवरीवेयर इन पब्लिक लाइफ. महात्मा गांधी फर्मली बिलीव्ड, महात्मा गांधी को पक्का विश्वास था दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट. इंडिया जो है ये तभी सच्चे रूप में आज़ाद होगा ओनली व्हेन पुअर पीपल बिकम फ्री फ्रॉम सफरिंग. जब पुअर पीपल जो हैं उनके भी दुख खत्म हो जाएंगे. सोशल साइंटिस्ट मेजर पॉवर्टी बाय वेरियस इंडिकेटर्स लाइक लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन. जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो पॉवर्टी को कैसे नापते हैं, वो पॉवर्टी को मापते हैं बाय वेरियस इंडिकेटर्स, लेवल ऑफ इनकम से और लेवल ऑफ कंजम्पशन से. कंजम्पशन कहते हैं जितना इनकम, जितना आप कमाते हो, जितना आप फिर कंज्यूम कर जाते हो, खा जाते हो पैसे से सामान खरीद के. तो लेवल ऑफ इनकम और कंजम्पशन से पॉवर्टी लाइन को मेजर करते हैं. इलिटरेसी अनपढ़ता को बोलते हैं. माल न्यूट्रिशन बोलते हैं कुपोषण. लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी. लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, नौकरी की कमी. सैनिटेशन फैसिलिटी, सफाई की. नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कि पानी भी पीने के लिए नहीं उपलब्ध है. आर सम अदर इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी, ये भी गरीबी की ही निशानियां हैं बेटा. जरूरी नहीं है कि लेवल ऑफ इनकम से ही आप गरीबी नाप रहे हो कि इसकी इनकम बहुत कम है. अनपढ़ता भी गरीबी की निशानी है, कुपोषण भी, हेल्थ फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं होनी, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होनी कोई, सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं होनी. जब आदमी अनपढ़ रह जाता है ना बेटा, उसके पास ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. सोशल एक्सक्लूजन इज अनदर रीज़न फॉर ऑफ पॉवर्टी. उसके लिए तो सामाजिक जो एक्सक्लूजन है वो भी एक गरीबी का सबसे दूसरा बड़ा कारण है. सामाजिक एक्सक्लूजन किसको बोलते हैं, कि दूसरे लोग तो उसी चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं लेकिन गरीब आदमी नहीं कर रहा. सोशल एक्सक्लूजन इज ए पर्सन इन विच सम इंडिविजुअल्स आर नॉट प्रोवाइडेड फैसिलिटीज, कि कईयों को तो फैसिलिटी ही प्रोवाइड नहीं की जाती एंड बेनिफिट्स दैट अदर पीपल एंजॉय, जो दूसरे लोग एंजॉय करते हैं. वल्नरेबिलिटी मीन्स रिस्क प्रोन. वल्नरेबिलिटी मीन्स रिस्क प्रोन. जो रिस्क प्रोन होते हैं, सम ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज आर मोर वल्नरेबल टू पॉवर्टी देन अदर ग्रुप्स ऑफ कम्युनिटी. कहते हैं हमारी समाज में कई जातियाँ ऐसी हैं जो पॉवर्टी के बिल्कुल ही वल्नरेबल हैं, बिल्कुल नज़दीक हैं. वो कौन सी जातियां हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, विडोज हैं, फिजिकली हैंडीकैप्स हैं, ये जो है ना ये मोर वल्नरेबल टू पॉवर्टी हैं. इट इज़ मेजर्ड बाय द फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू अदर कम्युनिटीज़.
और ये मापी जाती हैं बाय द फैसिलिटीज़ फैसिलिटीज से और अपॉर्चुनिटीज से जो कि दूसरी कम्युनिटीज़ को दी हुई होती हैं और इनके पास नहीं होती। इट इज़ आल्सो मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेटर रिस्क ए कम्युनिटी फेसिस ड्यूरिंग द नेचुरल डिज़ास्टर। कहते हैं ये तो जब नेचुरल डिज़ास्टर भी आ जाता है तो जो कम्युनिटी ज़्यादा रिस्क फेस करती है ये वहाँ से भी इट इज़ आल्सो मेजर्ड मापी जाती है। दस वल्नरेबिलिटी मीन्स बीइंग मोर एडवर्सली अफेक्टेड देन अदर ड्यूरिंग द क्राइसिस और डिज़ास्टर। कहते हैं वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि सबसे बुरी तरह प्रभावित होना जब कोई क्राइसिस आ जाए, डिज़ास्टर आ जाए, कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए। तो दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। थैंक यू।